मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेंगू के बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आपके बीच में आ रहा हूँ। देखिए, कल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड ब्लेस टैलेंट ने जो पहले से प्रूव करता चला है, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में 100, दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में 100, अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और कल टेस्ट मैच में अपने फर्स्ट मैच में 100, पृथ्वी शॉ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड ब्लेस्ड एंड। बट यू सी, इसके साथ साथ जो जस्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस नेचुरल टैलेंट के साथ में, जो उसके फादर ने किया। 4 साल की उम्र में उसकी माताजी का देहांत हो गया था। 70 किलोमीटर की जर्नी डेली करते थे, उनके फ्रेंड ने उनकी हेल्प की, MIG वहाँ पर वो बच्चा प्रैक्टिस करता था। उनके फ्रेंड ने हेल्प की, सांता क्रूज में उसको एक रहने के स्थान दे दिया। क्या परफॉर्मेंस किया है कल, क्या बैटिंग, और आप देखिए उस बच्चे की भूख देखिए कि जब वो आउट हुआ विशु की बॉल पे, उसके बाद कितना डिसहार्टेड था वो। ही वॉन्टेड टू बैट टिल द इवनिंग, टिल द एंड ऑफ द डे। मुझे कल जो मैं मैच एक फॉलो कर रहा था, मैं उत्तर प्रदेश और केरला का मुकाबला मैं फॉलो कर रहा था। केरला एक वेल ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, उत्तर प्रदेश में उस तरह की क्रिकेट अभी शुरुआत नहीं हुई है। देखिए, नेचुरल टैलेंट की जहाँ तक बात करें पूरे देश के अंदर है, इन बच्चों के पास में भी नेचुरल टैलेंट है, बट जस्टिफिकेशन कौन कर रहा है, कितना ज़्यादा उसको ग्रूम करने की तैयारी की जा रही है, कितना ज़्यादा उसको बनाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रकार के बच्चे पूरे देश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हुई है। मैं UP से खेला हूँ चूँकि, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को फॉलो करने की आदत पड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश की क्रिकेट जब भी उत्तर प्रदेश हारती है मुझे बहुत अफसोस होता है। छोटे छोटे स्टेट से उत्तर प्रदेश हार रही है। मैं विजय हजारे चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। वहीं आप देखिए, छोटा सा स्टेट, नया स्टेट बना, हालांकि 16-17 साल हो चुके हैं, बट झारखंड ज़बरदस्त प्रदर्शन, वहाँ पर भी नेचुरल टैलेंट है, उत्तर प्रदेश में भी नेचुरल टैलेंट है, बट वहाँ ग्रूम किया जाता है, वहाँ बनाया जाता है, वहाँ तैयार किया जाता है, वहाँ उस टैलेंट के साथ मेहनत की जाती है। अगर टैलेंट के साथ मेहनत नहीं होगी, मुश्किल है भाई, प्रदेश का ऊपर आना मुश्किल है। रैना ही कब तक जुटे रहेंगे, रैना की कल परफॉर्मेंस है, नए लड़कों का तो प्रदर्शन ऐसा नहीं आ रहा, इतने सारे उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, तो ये सोचना होगा। यूपी क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट नॉट बिकॉज ऑफ टोटली ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान्ड क्रिकेट, उत्तर प्रदेश की क्रिकेट कभी भी आगे नहीं आ पाती है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की हालत है, बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है ये। अगर हम नहीं जागते हैं, जाग ही नहीं रहे साहब, जागते ही नहीं हैं, हर बार ये हालत होती है उत्तर प्रदेश की क्रिकेट की, अफसोस। मैं तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपी में ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो, आप बच्चों के टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कोई इनिशिएटिव लिया जाता हो, आप अपना पढ़ाई भी जारी रखें। ये मेरा ये समझा रहा, ये बच्चा क्रिकेटर है ये बच्चा, बट मालूम है आपको, ये डॉक्टरी कर रहा है ना, MBBS कौन सा ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर इसका कंप्लीट हुआ है। ये वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर, बट जैसे इसने हालात देखी उत्तर प्रदेश की और इसने अपनी एजुकेशन को प्राथमिकता दी। अभिषेक एक हमारा बच्चा है, उसका 4th ईयर है यही SN में, ही इज ऑल्सो डूइंग MBBS। नासा तक गए यहाँ से मेरे पास से बच्चे, मैं उनको ऐसा काउंसिल करता हूँ। कैरियर बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बच्चे जो है वो मानते नहीं है, सिर्फ खेलना चाहते हैं। मेरा ये समझाना है कि आप खूब 4-5 घंटे खेलिए, बट उसके बाद आप पढ़िए भी। बट ये एक अफसोस की स्थिति कि हम मेंटली जो है वो इंटेलेक्चुअल पार्ट हमारा उतना ग्रूम्ड नहीं है। गुड लक।